हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द प्रारक साइंस क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा है हमारा नया चैप्टर? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट क्या है? हमारे चारों तरफ जो माहौल है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट होता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, इसमें लिविंग नॉन लिविंग सारी चीज़ें आती हैं। एनवायरनमेंट बदलता है, हमारे पेड़ों को भी फ़र्क पड़ता है, हमें भी फ़र्क पड़ता है, और सभी एनिमल्स क्रिएचर्स सभी को अंतर पड़ता है। देख लीजिए ना, अब ठंड आने वाली है, पेड़ों में क्या हो गए हैं? पुराने पत्ते जाके नए आने लगे, जैसे स्प्रिंग सीजन में होते हैं, कई बार इसमें भी होते हैं, विंटर्स में भी होते हैं। कुछ पेड़ों में ऐसा होता है न्यू लीव्स आती हैं विंटर्स में, और कुछ में जो है वही रहती हैं। और दूसरा हम बात करते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, ठीक है, अब मौसम चेंज हो रहा है तो किसी को फीवर हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, तो सबके साथ कुछ ना कुछ क्या है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब भी हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है। अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, जैसे आप गर्म उसमें रहते हो, हॉट क्लाइमेट में रहते हो, उसके बाद आप विंटर कूल एरिया में जाते हो, जैसे मनाली गए या गुलमर्ग गए, आप कूल एरियाज में जाते हो, तो भी आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके बॉडी में, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, सब चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो होता है ये हमें या क्रिएचर को या नेचर को सबको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमारा क्या है? ये नेचुरली होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकरिंग नेचुरली। ये कैसा होता है? नेचुरली होता है, इसमें कोई भी हमारा आर्टिफिशियल नहीं होता है। ठीक है, और एनवायरनमेंट डे हम किस दिन मनाते हैं? एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं हम बताएंगे आप लोग? कभी 5th of June को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5th of June को मनाते हैं हम। ठीक है, 5th June को एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इस केस में आर्टिफिशियल नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें इंट्रैक्शन होता है, लिविंग स्पीशीज होती हैं, क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन सर्वाइवल हमारे अफेक्टेड होते हैं कि कैसे हमारे ह्यूमन सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारी अफेक्टेड होती हैं। किसी मौसम में कोई चीज बहुत ज्यादा गिरती है होती है और किसी मौसम पे कोई चीज, है ना, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट भी अफेक्टेड होता है। चाहे इसमें फिजिकल क्रिएचर्स भी हमारे आते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, हमारी सॉइल हो गई, है ना, हमारे अब क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारे अनाज लगाए जाते हैं। अब जैसे गेहूं है, गेहूं का लगाया जाता है। अब इस समय हमारा क्या कट रहा है? राइस, धान कटने का समय आ गया है, है ना, तो नए चावल हमें मिलने लगेंगे। बरसात के बाद अब हमारा क्या होता है, दिवाली के आसपास हमें नए चावल मिलने लगते हैं, और उसके बाद हमारा क्या होता हमारा गेहूं बोया जाता है, और गेहूं हमें कब मिलता है? होली के बाद, जब दूसरी नौरात आती है हमारी अप्रैल वाली, तब हमें गेहूं मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है, जिसपे एनवायरनमेंट हमारा डिपेंड है। एनवायरनमेंट से हमें खाने पीने को मिलता है, रहते हैं हम एनवायरनमेंट के चारों तरफ, हमारे कौन है? एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है। हमारे चारों तरफ का सिस्टम जो कहलाता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। उसमें हमारा क्या आते हैं? इकोसिस्टम में हमारे फॉरेस्ट आते हैं, पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आती हैं, पार्क्स आते हैं, ये सारी चीजें हमारे किस में आती हैं? इकोसिस्टम में आती हैं। ठीक है, अब जैसे जो ऑर्गेनिज्म है इनमें हमारे कई ग्रुप्स आते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड इन, ये किस में आते हैं हमारे? कंपोजर, सॉरी प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर किन्हें कहते हैं? जो हमारे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फार्मर हमारे प्रोड्यूसर हो गए। ठीक है, उसके बाद और कौन आते हैं हमारे? कंज्यूमर आते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? हम लोग होते हैं जो क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर हो गया, उसके बाद डीकम्पोजर हो गया, डीकम्पोजर्स हो गया।
ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर, ये तीन हमारे आते हैं। ठीक है, ये तीन कैसे आते हैं, जो हमारे ग्रुप आते हैं उसमें डीकम्पोजर आ गया हमारे, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आ गया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे ये क्या कहते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ये सब हमारे क्या करते हैं, हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस अपने खुद कर पाते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर द ऑटोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स हो गए। उसके बाद कंज्यूमर कौन होते हैं, हम लोग हो गए। हम लोग क्या है, हम लोग इनके ऊपर डिपेंड है। हम लोग किन पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, क्योंकि जब ये बनाएंगे तभी तो हम कंज्यूम करेंगे। तो जो हम खाते पीते हैं, जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं खाने पीने से, कंज्यूम करते हैं, वो क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर, और जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, लेते हैं प्रोड्यूसर से, वो क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। अब डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो उनको तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर क्या करते हैं, उसे डीकम्पोज करने का काम करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन का काम करते हैं। किस चीज का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन का काम करते हैं। ठीक है, तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं, ये डीकम्पोज का काम करते हैं, उसे तोड़ने का काम करते हैं। ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड फ्रॉम प्रोड्यूस्ड ईदरली डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स। जो प्रोड्यूस करते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, और जो प्रोड्यूस होने के बाद कंज्यूम करते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, आई होप सो इतना समझ आया होगा। एक तरह से आज आपकी क्लास जो है वो इंट्रो क्लास है, इसके बाद जो मेन है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे ये हो गए, और इसके बाद हमने ये पढ़ लिया। अब जो हमारे कंज्यूमर्स आते हैं, जो ये हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, ये तीन पार्ट में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक, दूसरे हमारे कार्निवोर्स होते हैं, और तीसरे हमारे ओमनीवोर्स होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, जो हमारे एनिमल्स मीट खाते हैं वो किसमें आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं इसमें, वो कार्निवोर होते हैं। ओमनीवोर जो बोथ, जिसमें हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों आते हैं, वो किसमें आते हैं, ओमनीवोर्स में आते हैं। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। दीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डीकम्पोजर्स एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ने का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स हमारे कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमारे किसमें तोड़ देते हैं, सिंपल में तोड़ देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ये किसमें तोड़ देते हैं, सिंपल में तोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये हमारे डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये था आज का इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारी हम पढ़ेंगे वो आएगा फूड चेन, आएगी हमारी वेब आएगा। फूड चेन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारा ऐसा पिरामिड बनता है, इसमें है ना प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर आते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कि हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एनवायरनमेंट चैप्टर का। हमारे आसपास के एरिया को एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है, और ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है। आई होप सो आप लोगों को इतना इंट्रो समझ में आया होगा। इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।